दशमी पर किसकी विजय? जी हां, ठाकरे सेना और शिंदे सेना दोनों दशहरे पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। जो जीता वही सिकंदर। मगर इस बीच एक ट्विस्ट आ गया है। शिंदे सेना और बीजेपी पहले से आरोप लगा रहे थे कि भीड़ जुटाने के लिए ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की मदद ले रही है। शिवाजी पार्क की रैली उद्धव की नहीं, महाअघाड़ी की रैली है, और आज इसके लिए उन्होंने मातोश्री के बाहर दिखाने को एक सबूत भी मिल गया। डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में हिंदुत्व की पताका किसके हाथ होगी? मुंबई में मराठी मानुष अब किसके साथ होगा? इस बार का दशहरा, इस बार की विजयदशमी ये तय कर दी। 5 अक्टूबर को एक साथ 2 पैरेलल दशहरा रैलियां होंगी। इन रैलियों से ही तय हो जाएगा असली शिवसेना किसकी होगी, शिंदे की या ठाकरे की। दशहरा के दंगल के लिए मुंबई पोस्टरों, झंडों और बैनरों से पटी पड़ी है। शिंदे सेना और ठाकरे सेना के बीच वीडियो वॉर चल रही है। ठाकरे खेमे ने शिवाजी पार्क की रैली में जनता को बुलाने के लिए प्रोमो जारी किया। एक तर कोणाच्या पाठीत वार करायचं नाही, जर कोणी पाठीत वार केला तर त्याचा पोथळा बाहेर काढल्याशिवाय राहायचं नाही। आज माझ्या हातामध्ये काय आहे? अधिकार म्हणून काहीच नाहीये, तर तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मिळालेली एक शक्ती आहे, ती शक्ती घेऊन मी पुढे चाललेलं लढायला चाललेलं आहे। आणि ही तीच शिवसेना आहे, बघा, गच्च भरलेली आहे इकडे। सगळे एकत्र येऊन शिवसेनेवरती तुटून पडणार आहेत, हे ठाकरे कुटुंब आहे, संपवा, हे माझं ठाकरे कुटुंब आहे। शिंदे सेना ने तत्काल बाल ठाकरे का बयान दिखाकर उद्धव को आईना दिखाया कि जिस कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं, बाला साहब उसे रावण की तरह जलाने की बात करते हैं। भ्रष्टाचारी कांग्रेस का रावण जाड़ायचा है, गाड़ायचा नवे जाड़ायचा है। शिवसेनेचा दसरा मेळावा 5 ऑक्टोबर 2022 सायंकाळी 5 वाजता बीकेसी मैदान बांद्रा मुंबई। शिवसेना किसकी, इसका फैसला अब चुनाव आयोग को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इसकी इजाजत दे दी है, मगर सियासी फैसले जनता की अदालत में होते हैं। जनता जिस रैली में जुटेगी, असली दुकान उसी की होगी। हालांकि बीजेपी से दूरी और कांग्रेस की करीबी ने ठाकरे सेना की विश्वसनीयता संदिग्ध कर दी है। दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में तो एनसीपी से ज्यादा शिवसेना सक्रिय नजर आई। एनसीपी के सारे बड़े चेहरे नदारद थे, मगर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत दिग्विजय के कंधे से कंधा मिलाए बगलगीर नजर आ रहे थे। रही सही कसर अगली सुबह मातोश्री के बाहर लगे इस पोस्टर ने पूरी कर। शिवसेना के इतिहास में अब तक जो नहीं हुआ था वो हुआ। एनसीपी ने दशहरा रैली की कामयाबी के लिए ठाकरे परिवार को अग्रिम बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। इंडिया टीवी संवाददाता सचिन चौधरी की इनसाइट एनालिसिस देखिए। हम मौजूद है कलानगर बांद्रा में, उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है मातोश्री, उसके बिल्कुल ठीक सामने। यहाँ पर एक बैनर और पोस्टर्स लगाया गया है। ये पोस्टर्स और बैनर एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लगाया है, जिसमें कहा गया है कि एक ही संगठन, एक ही विचार और एक ही मैदान, शिवसेना के दसरा सम्मेलन को एनसीपी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पोस्टर को लेकर राजनीति छिड़ गई है। अब शिंदे गुट और बीजेपी का कहना है कि पहले से ही हम जो आरोप लगाते रहे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है कांग्रेस एनसीपी की सेना बन गई है, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। जिस तरह के जो पोस्टर्स लगे हैं, बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस एनसीपी के विचारधाराओं को लेकर उन पर हमला बोला है। कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ न जाने की बात कही थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे जो है उन्हीं की राह पर चल रहे हैं, और अब कांग्रेस एनसीपी के नेता जो है उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। पहली बार इस तरह के पोस्टर लगे हैं। ये सच है कि शरद पवार और बाल ठाकरे के बीच पारिवारिक संबंध थे,
साथ उठने बैठने का याराना था, मगर सियासी दूरी हमेशा बनी रही। बीजेपी नेता राम कदम ने इंडिया टीवी पर पहले ही आरोप लगाया था, शिवाजी पार्क में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी मदद कर रहे हैं। अब सुनने में यह आ रहा है कि दशहरे के रैली में उद्धव के लिए बड़ा प्रेस्टीज का विषय है, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को बुलाने की होड़ लगी है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि इनके पास अब कार्यकर्ता ही बचे नहीं, तो बची कुछ इज्जत बचाए करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को बुला करके एन केन प्रकारे वो ग्राउंड भरे, इस प्रकार की होड़ उद्धव गुट में लगी है, इसी बातें सामने आ रही है। एनसीपी का पोस्टर सामने आने के बाद शिंदे के मंत्री और प्रवक्ता यही बात कह रहे हैं। शिंदे की दशहरा रैली की तैयारियों में जुटे नेताओं ने क्या क्या बोला सुनिए। अगर आप मुंबई में आज देखें तो एनसीपी कांग्रेस ने जो शिवतीर्थ पे सम्मेलन है उसके बैनर भी लगाए हैं, और जो हमारे मन में शंका थी उसका एक पुरावा ही उन्होंने दिया है कि जो शिवतीर्थ पे सम्मेलन हो रहा है वो महाविकास आघाड़ी का है, और वंदनीय बाला साहब के विचार का जो सम्मेलन हो रहा है वो बीकेसी पे हो रहा है और उसका नेतृत्व शिंदे साहब कर रहे हैं। जो भारत जोड़ो अभियान कांग्रेस का है उसमें हमारी वो गुट की शिवसेना के नेता शामिल हो गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनको पता चला है कि अभी हमारी शिवसेना हमारे पास बहुत कम रही है, और अगर हमें शक्ति प्रदर्शन करना है तो महाविकास आघाड़ी के साथ लेना जरूरी है और ये काम चालू हो। बाला साहब के विचार है, जो हिंदुत्व के विचार है, और वहाँ पे जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं, कोई रैली में जा रहा है, कोई पोस्टर लगा रहा है, मतलब अभी उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए उनको मदद कांग्रेस और राष्ट्रवादी की लेनी पड़ रही है। और यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि हमको रोकना पड़ रहा है कि भाई ज़्यादा लोग आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं जब भी कोर्ट का रिजल्ट लगेगा तो लगेगा, लेकिन लोगों के मन में कौन सी शिवसेना है ये आप 5 तारीख को देख सकते हैं। शिंदे सेना और बीजेपी के इन इल्जामों के जवाब में शिवसेना भी पलटवार कर रही है। उसका कहना है कि शिवाजी मैदान में हर पार्टी के लोग आ रहे हैं तो बीजेपी के लोग भी आ जाएं। उल्टा आरोप यह भी कि बीकेसी में होने वाली शिंदे की रैली के लिए बसें तो बीजेपी लगा रही है। बीजेपी समेत एकनाथ शिंदे गुट ने यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से एनसीपी ने पोस्टर्स लगाए हैं तो उसे इस बात को बल मिलता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की जो रैली होगी, सभा होगी शिवाजी पार्क में, उसमें कांग्रेस एनसीपी का ही समर्थन होगा, उनकी भीड़ होगी। दशहरा रैली जो है देश भर से लोग आते हैं, और अभी सब पार्टी के लोग आ गए तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, वो भी आ सकती है माननीय उद्धव जी के विचार सुनने के लिए, दशहरा रैली में शामिल होने के लिए सभी को निमंत्रण है, आप आ सकते हो, बैठ सकते हो वहाँ, आपको किसने मना किया है। मगर ऐसा है कि शिंदे गुट का जो रैली होने वाली है उसमें भारतीय जनता पार्टी बसेस लगा रही है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन बन रहा है। मुख्यमंत्री निवास वर्षा बंगलों की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने वर्षा के बंगलों में फिलहाल मौजूद है, अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की गई है, जो कमांडोज हैं विद गन यहाँ पर लगातार अब तैनात रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दशहरा रैली के पहले इस तरह की धमकी मिलने को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए जो मुख्यमंत्री निवास के आसपास के रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस को काफ़ी ज़्यादा तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की जो वैन है वो लगातार मौजूद है, जो कमांडोज हैं यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
पर तैनात किया गया है मुंबई पुलिस के। और ऐसे में जिस तरह की धमकी मुख्यमंत्री को मिली है उसके बाद सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। जो मुंबई पुलिस के कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर अब एक्स्ट्रा फोर्सेज के साथ तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में चाहे नंदनवन हो, वर्षा आधिकारिक बंगला हो, या थाने की जो लुइसवाड़ी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का घर है वो हो, हर जगह पर सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा पुख्ता किया है। एकनाथ शिंदे को तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। ये अक्टूबर में इसकी शुरुआत हुई थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी उन्हें नक्सलवादियों की तरफ से इस बात की धमकी दी गई थी। कुछ महीने पहले मंत्रालय में एक पत्र मिला था जब उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। और इस बार पुलिस कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति ने कॉल करके कहा कि लोनावला के एक होटल में उन्हें जान से मारने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। ऐसे में जो सुरक्षा है मुख्यमंत्री की वो काफी ज्यादा पुख्ता की गई। हालांकि धमकी मिलने के बाद सीएम शिंदे के प्रति लोगों की सहानुभूति और बढ़ गई है। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए समर्थन का इजहार कर रहे हैं। शिंदे इससे भी उत्साहित दिख रहे हैं। जो थ्रेट का लोगों को पता चला था तभी से लोग काफ़ी चिंतित थे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर संपर्क कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा है चिंता की बात नहीं है, पुलिस और गृह विभाग बारीकी से ध्यान रखा हुआ है और वो उनका काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।